हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस से चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटनाचक्र की सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन। तो गाइस, यहाँ पे देखिए हम करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 23, जो कि है संधि। चलिए पहले हम लोग देख लेंगे इंडेक्स, देन आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये रहा आपका इंडेक्स जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और अभी जो है हम चैप्टर नंबर 23 पे पहुँच चुके हैं। तो आगे भी देख लेते हैं हमें और क्या क्या करना है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कमेंट में कोई सजेशन हो आपके तो ज़रूर दीजिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। अगर इस घटनाचक्र की और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इस बुक के घटनाचक्र के, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वैसे चलिए फिर हम क्या करते हैं ना, फटाफट स्टार्ट करते हैं जो आज चैप्टर हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो वो है चैप्टर नंबर 23 यानी कि संधि। 100 के करीब कुछ क्वेश्चन हैं, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। 111 क्वेश्चन हैं, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है परिभाषा, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार और परिवर्तन को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले व्याख्या। इसमें लिखा है दो वर्णों यानी कि स्वर या व्यंजन, कुछ भी हो सकते हैं, कि मेल से होने वाले जो विकार है उसको हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। जैसे इसने कहा विद्या, एक वर्ण हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया आलय यानी कि दूसरा वर्ण। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, विद्यालय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, संधि है, सिंपल आंसर। फिर इसमें से कौन सी संधि का गुण है, मतलब इसमें से कौन जो है संधि का गुण है। तो इसमें लिखा है इसमें से कोई, आइए पहले व्याख्या देखते हैं फिर समझेंगे। इसमें लिखा है दिए गए गुणों में से कोई भी जो है संधि का गुण है, आइए गुण भी देख लेते हैं। तो गुण में लिखा है यहाँ पे संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, गलत। संधि में समास होता है, गलत। संधि का अर्थ क्या होता है, अलगाव होता है, गलत। संधि दो पदों का योग होती है, यहाँ पद ना होकर क्या होता है, वर्ण होता है, यानी कि क्या हमने यहाँ पे देखा था, स्वर या व्यंजन ये होता। तो यानी कि हमारा कोई भी आंसर नहीं है। आइए यहाँ पे इसने कहा कोई भी नहीं है, और इसमें लिखा है दो निकटवर्ती वर्णों यानी कि अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र भानु प्लस उदय भानुदय, एंड दो पदों के योग से मतलब दो पदों के योग को क्या बोलते हैं, हम समास बोलते हैं, राइट। जैसे जल धारा, जल की धारा, ठीक है। अब चलिए संधि के भेद देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि संधि के तीन भेद होते हैं, ठीक है, स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि, देखें कौन कौन से। तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। फिर लिखा है संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, तो देखिए लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं, ओके, तो तीन है, यानी स्वर हमने देखा था, व्यंजन देखा था और विसर्गो देखा था, यानी कि अनुस्वार नहीं देखा था। चलिए यहाँ पे लिखा है संधियों के तीन प्रकार होते हैं, एक होती है स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। अब इसने लिखा है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि, यानी कि इसने कहा दो स्वरों के मेल से स्वर संधि। फिर है व्यंजन से स्वर तथा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। और फिर लिखा है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से क्या बनता है आपका, विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये तीन हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्वर संधि पहली, तो यहाँ पे लिखा है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ओके, यहाँ लिखा है पांच प्रकार की। आइए देखें कौन कौन से पांच प्रकार हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अदाय सॉरी अयादि, अयादि स्वर संधि। चलिए यहाँ पे लिखा है गायक का संधि विच्छेद कीजिए, तो गायक का क्या होगा, गौ प्लस अगायक, ठीक है। फिर इसमें क्या है, अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा है स्वर संधि का उदाहरण बताइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अन्वय में स्वर संधि है, ठीक है, इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो अनु प्लस अय होता है जो कि उ और अ यानी कि व के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब लिखा है किंचित, किंचित में किम प्लस चित और तद्रूप में, देखिए इसमें लिखा है तद प्लस रूप में व्यंजन संधि। और फिर लिखा तीसरा है आपका नीरस यानी कि, तो नीह प्लस रस, इसमें होती है विसर्ग संधि। देखिए यहाँ लिखा है स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो किसका होता है, स्वरों का मेल होता है। यहाँ लिखा है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है या फिर परिवर्तन या रूप परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, स्वर संधि कहलाती है। अब इसमें लिखा है परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो गया गाइस, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, दो वर्णों के मेल से जो, मतलब ठीक है ये हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, संधि के किन मूल भेदों के अंतर्गत
सन्निहित है। तो किन मूल स्वर संधि के अंतर्गत सन्निहित है? आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें लिखा है देखिए दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है विद्यार्थी का सही जो है संधि विच्छेद क्या हो गया, तो इसका क्या हो गया, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। तो विद्या प्लस अर्थी में देखिए यहाँ पर लिखा है बड़ा आ और छोटा आ, ठीक है, बराबर हो गया, मतलब बड़ा आ हो गया। इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ, बड़ा आ, ई, ऊ और ऋषि के बाद वे ही क्या है, हास या दीर्घ स्वर आते हैं, तो दोनों को मिलाकर क्रमशः आ, ई, ऊ और ऋषि हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है सावधान का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो सावधान का स प्लस अवधान, ठीक है, स प्लस अवधान, यहाँ छोटा छोटा, ठीक है, तो बड़ा, इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, अभी हमने ऊपर देखा था। फिर है मात्र, क्या लिखा गया, इसे मात्र मात्राम, तो इसका जो है अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो मात्र अत्रणाम, तो ये हो गया आपका। इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है रत्नाकर, रत्नाकर का संधि विच्छेद अगर हम करें तो रत्न प्लस आकर, ठीक है, तो इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। जब हास और दीर्घ स्वर संधि के बाद जो है हास या दीर्घ समान स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान पर क्या है, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब इसमें लिखा है सर सरयूमी, सर सॉरी सरयूर्मी, ठीक है, इसमें में संधि है, कौन सी है आपकी, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि है, तो सरयू प्लस उर्मी हो गया यहाँ पे संधि विच्छेद इसका, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है छोटा बड़ा ऊ, तो ऊ हो गया, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि हो गई। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, तो यहाँ पे लिखा है पुस्तकालय, यहाँ लिखा है सदगति, यहाँ लिखा है दिग्दर्शन और यहाँ लिखा है उज्ज्वल, तो ये क्या है, पुस्तकालय इसका आंसर है। आइए देखें, तो यहाँ पे लिखा है पुस्तक प्लस आलय में जो है स्वर संधि का एक भेद यानी कि दीर्घ स्वर संधि आ रही है। फिर इसमें लिखा है संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें लिखा है पुष्पांजलि, तो पुष्पांजलि का संधि है पुष्प प्लस अंजलि हो गया, ठीक है, और ये क्या है, एक दीर्घ स्वर संधि है। फिर इस संधि के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, तो शिव प्लस आलय शिवालय हो गया, भोजन प्लस आलय यानी कि भोजनालय हो गया, और मही प्लस इंद्र महेंद्र हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है विद्या प्लस आलय विद्यालय होता है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि है उसमें भी। फिर इसमें लिखा है धाशुमा, ठीक है, यानी कि ये कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ यानी कि धाशु प्लस ऊष्मा, धातु प्लस ऊष्मा यानी ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि है। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, ओके, यहाँ पे लिखा है रामायण का संधि विच्छेद, ये रहा रामायण, तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, राम प्लस आयन, ठीक है, होता है। यहाँ पर क्या अ अ मिलकर आ बनाता है, हो जाता है, ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि है। अब यहाँ लिखा है तपोगुण, तो ये हो गया तपोगुण का संधि विच्छेद, तप प्लस गुण हो गया अतएव, अतएव अतएव अतएव, ये रहा अतएव, अतएव का संधि विच्छेद अगर हम करें तो अतः अतः प्लस एव हो गया, और ये दोनों क्या है, विसर्ग संधि है, ठीक है, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो है आपकी विसर्ग संधि है। फिर यहाँ पे बचा है ये सज्जन भी देख लेते, सज्जन का संधि विच्छेद अगर हम करें तो सत प्लस जन हो गया, और ये क्या है, ये कौन सी होगी आपकी, व्यंजन, व्यंजन संधि होती है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है गीतांजलि का, तो गीतांजलि का गीत प्लस अंजलि हो गया, अभी हमने पहले भी देखा था, ये दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। आगे देख, तथापि, तथापि का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तथा प्लस अपि हो गया, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। फिर यहाँ पे लिखा है लघुर्मी, लघुर्मी का संधि विच्छेद करें, तो वैसे यहाँ पे है लघुर्मी, तो इसका इसमें लिखा है, देखिए ये कौन सी है, स्वर संधि है, इसका जरा संधि विच्छेद करते हैं तो लघु प्लस उर्मी हो गया, ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अब आते हैं विद्यार्थी पर, तो विद्यार्थी ये है आपकी, देखिए दीर्घ स्वर संधि है, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। चलिए फिर यहाँ पे लिखा है वधुर्मी, तो वधु प्लस उर्मी हो जाएगा, राइट, वधु प्लस उर्मी हो जाएगा, तो ऊ ऊ ऊ बड़ा ऊ, तो इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि आ बड़ा आ ई ई ऊ ऊ के बाद यही स्वर आने पर क्या है, दोनों दोनों मिलाकर क्या है, दीर्घ हो जाते हैं, तो विद्या आ फिर आलय, तो ये विद्यालय भी वही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि भुर्जा, अरे भुर्जा क्या होता है गाइस, तो भू प्लस ऊर्जा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भू में बड़ा ऊ आ गया, ऊर्जा में भी बड़ा आ गया, तो बड़ा ऊ, तो ये हो गया दीर्घ स्वर संधि हो गया गाइस। चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन, अब यहाँ गया व्यंजन संधि का उदाहरण, ओके, तो नहीं है बोला इसने, ठीक है, तो इसमें लिखा है विद्यालय, ये जो है, तो विद्या प्लस आले जो है आपका व्यंजन संधि ना होके कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। आई व्यंजन भी देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा जगदम्बा संतोष एंड अहंकार, ये सारा हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो ये विद्यालय है वो आपका दीर्घ स्वर संधि में आता है। फिर यहाँ पे लिखा है बुधर्व,
भूधर्व का जो है संधि विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इस भू प्लस उधर्व है, ठीक है, तो ओके तो ये होगा, तो भू प्लस उधर्व तो ये ओके, तो बड़ा ऊ है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर इसमें लिखा है बड़ा बड़ा ऊ ऊ, तो ये हो गया दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, और बाकी तो विकल्प में कोई है नहीं सही। तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर यहाँ पे लिखा है सत्याग्रह, सत्याग्रह के लिए क्या होगा आपका, देखिए सत्य प्लस आग्रह हो गया तो बड़ा आ हो गया, छोटा सत्य में छोटा आ, और यहाँ पे आग्रह में बड़ा आ, तो बड़ा, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो गया। आगे बढ़ते हैं अन्यायन, सॉरी अन्यान्य, ओके तो अन्यान्य में क्या है, देखिए अन्य प्लस अन्य, ओके तो ये अन्य अन्य ये आपका क्या है दीर्घ स्वर संधि हो गया। आगे बढ़ते हैं पुस्तकालय में, पुस्तक प्लस आलय, ओके तो ठीक है पुस्तक प्लस आलय तो छोटा आ, बड़ा आ तो बड़ा, तो ये दीर्घ स्वर संधि बच जाता है। फिर सूक्ति, सूक्ति में देखिए तो ये गैस यहाँ पे है सू प्लस उक्ति, छोटा ऊ मिलकर क्या बड़ा ऊ बना देता है, तो दीर्घ स्वर संधि हो गया। इसमें कौन कौन से होते हैं, छोटा बड़ा ई ई ऊ ऊ एन ऋषि, इसके बाद वे ही हास या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों मिलाकर क्या है क्रमशः क्या बनाते हैं आ ई उ ऋषि, तो ये दीर्घ स्वर संधि के लिए होता है। यहाँ लिखा है संग्रहालय, तो संग्रहालय का क्या होगा समग्रह आलय, ठीक है। तो गैस ये तो इसमें संधि विच्छेद हमने कर दिया समग्रह आलय, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसमें लिखा है श्रद्धानंद, श्रद्धानंद में क्या होता है श्रद्धा प्लस आनंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गैस, तो यहाँ पे लिखा है अब नेक्स्ट आ गया गुड़ स्वर संधि, ठीक है। अभी हमने कौन सा देखा था दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि देखा था, संधि पांच प्रकार की हमने देखा, देखिए स्वर संधि हमने कहा था जो स्वर संधि होती है पांच प्रकार की होती है, तो उसमें से पहली वाली हमने कर ली है दीर्घ स्वर संधि, अब दूसरी है आपकी गुड़ स्वर संधि। चलिए अब गुड़ स्वर संधि भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद करना है, तो यथा प्लस उचित, यथा उचित, ओके। तो देखिए गाइस यहाँ पे यथोचित कैसे करें, देखिए तो इसमें ए ओ और अर आए, तो ये कौन सा हो गया आपका गुड़ स्वर संधि, कौन क्या ए ओ अर, मतलब इसने क्या कहा, इसने कहा कि संधि के नियम अनुसार, नियम देख लेते हैं, इसने कहा यदि अ या और बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई ऊ या बड़ा ऊ ऋषि आए, तो ये क्या है, इसको हम क्या समझेंगे गुड़ स्वर संधि के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा था आपका यथोचित, तो यथोचित का क्या हो जाएगा यथा प्लस उचित, यानी कि बड़ा आ एन ऊ, ठीक है, तो यानी कि बड़ा आ एन ऊ, ठीक है, ये दोनों आ गए, तो फिर क्या बनेगा इससे ओ बनेगा, यानी कि ये बनेगा, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा गुड़ स्वर संधि में आ जाएगा। देखिए महर्षि है यहाँ पे, तो इसे भी समझते हैं, तो महा प्लस ऋषि थे, इसमें भी गुड़ स्वर संधि है। चल आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें लिखा है नरेश, तो यहाँ पे नर और इश, ठीक है, यानी कि छोटा आ और ई आ गया और यहाँ ए आ गया, ठीक है, छोटा आ छोटी ई एंड ए, तो छोटा आ देखिए ये अलग है, ठीक है, तो छोटा छोटी ई एंड ए आ गया, तो ये किसके लिए आ गया गुड़, गुड़ स्वर संधि के लिए आ गया। फिर आगे बढ़ जाते हैं गाइस, यहाँ लिखा है गुड़ स्वर संधि हो गया, यहाँ पे संधि के नियम अनुसार हमने देख लिए सारे। अब यहाँ पे लिखा है यहाँ लिखा है गुड़ाकेश, ठीक है, गुड़ाकेश यानी गुड़ाका प्लस ईश, ठीक है, आइए इसका भी देख लेते हैं, तो इसमें तो हालांकि कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, तो गाइस यहाँ पे गुड़ाका प्लस ईश, ठीक है, यहाँ पे लिखा है समुद्रोर्मी, ठीक है, समुद्रों में समुद्र प्लस उर्मी, तो समुद्र में आ और उर्मी का बड़ा ऊ और इससे क्या बन गया ओ, ठीक है, तो यानी कि देखिए ये है, तो छोटा आ हो गया बड़ी ई हो गया, यहाँ से बन गया ओ, तो ये हो गया आपका गुड़स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होता है गाइस, यानी कि बड़ा, देखिए ये हो गया, तो ये आपका किसके लिए आता है गुड़स्वर संधि के लिए आता है। और इसने लिखा है गुड़ संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए, ठीक है, तो इसने क्या लिखा है, देखिए आ छोटा बड़ा सही, बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, ये तीनों ही सही है, ठीक है, ये तीनों सही है। अब उसके बाद ये देखिए क्या लिखा है, ये तो बड़ा ही, तो गाइस देखा जाए तो इसमें आंसर तो कुछ नहीं है, आइए समझिए, तो हमें बस नॉर्मली हमें जानना है क्या छोटा बड़ा और इसके बाद छोटी बड़ी आए, तो क्या बनता है ए बनता है, मतलब इसने कहा अ और आ है, ठीक है, उसके बाद ई और ई आ जाए तो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए फिर यहाँ पे ये गलत हो गया, अगर यहाँ पे छोटी ई होता है तो ये आंसर हो सकता था एक, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं आगे, तो छोटा बड़ा ऊ आए आए तो ओ बनता है, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बनता है, और ऋषि ऋषि आए तो अर बनता है, ठीक है,
जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र होता है, देव इश देवेश होता है, महा इंद्र महेंद्र होता है, ठीक है, ये सब सही। महा उत्सव महोत्सव होता है, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर कथन 1 एंड 3 है, जो जो किसी विकल्प में नहीं। ओके गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ छोटी ही होनी चाहिए, आई डोंट नो, यहाँ पे बड़ी लिखा है और इसे सही भी बताया। तो बाकी तो हमारा दूसरा वाला सही है, ये वाला हमारा आई थिंक ये भी सही है, अगर यहाँ ई होता तो सही था। अच्छा, ये क्या कहें, ई और ई दो बार लिख दिया, ये छोटी ई होगा गाइस, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है। तो गाइस देखिए, ये वाला छोटा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, तो ये तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है महोर्ष महोर्मी, ठीक है, महोर्मी महा प्लस उर्मी, ठीक है, ये तो अभी हमने देखा था। फिर लिखा है मृगेंद्र, तो मृगेंद्र इसमें लिखा है गुण स्वर संधि है, मतलब यहाँ पे लिखा है मृग प्लस इंद्र यानी कि मृगेंद्र हो गया, और ये गुण स्वर संधि है। फिर है महोत्सव की बात करें तो महा प्लस उत्सव हो गया, और ये क्या है, गुण स्वर संधि है। यहाँ पे क्या है, बड़ा आ रहा है, फिर उ आ रहा है, इससे क्या बनता है, ओ बन जाता है, तो ये गुण स्वर संधि में आ जाता है। और इसमें लिखा है बालोचित, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो बाल प्लस उचित, बालो प्लस सॉरी बाल प्लस उचित हो जाएगा, तो बालोचित यानी कि छोटा हो बड़ा, छोटा हो सॉरी छोटा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, तो ओ हो गया, तो ये घुड़सवार संधि में आता है, और इस संधि के अनुसार, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब देखिए हमने कौन कौन सी पढ़ ली, एक हमने पढ़ ली दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली, फिर हमने घुड़सवार संधि पढ़ ली, और ये सारे जो है स्वर संधि कितने प्रकार की थी, हमने कहा था 5 प्रकार की, एक हो गई, दो हो गई, और तीसरी हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है तथैव, तथैव में क्या है, देखिए तथा प्लस एव, अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तथा एव यानी कि बड़ा, और ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नियम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहले आएगा अ या फिर आ सकता है, ठीक है, और इसके बाद ए और ए ये आएगा, और तो दोनों के स्थान पर क्या, बड़ा ये वाला ए, ठीक है, फिर तथा ओ और ओ, ठीक है, तो दोनों के ये हो गया, ठीक है, इतना इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है आ ए और बड़ाई, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये वाला आ गया, तो ये आपका किसके लिए हो गया, आपका वृद्धि स्वर संधि के लिए हो गया। अब लिखा है सदैव, तो सदैव प्लस सदा प्लस एव, ठीक है, सदैव हो गया, तो इसमें ये तो वही नियम लिखा है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है महेश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है, तो महा प्लस ऐश्वर्य में बड़ा आ गया और ए आ गया, तो यहाँ बन गया ए, तो ए बना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह से होता तो ये आपका आंसर हो सकता था, या यहाँ पे बड़ा आ होता तो आंसर हो सकता था। फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो विकल्प में आंसर ही नहीं है इसका। तो यहाँ पे लिखा है मत्तैक्य, मत्तैक के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मत और एक हो गया, अ और अ आ ए आ गया, और इससे क्या बना, बड़ा ए बन गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है महोषध, महोषध मतलब मा, यहाँ हो गया महो प्लस औषध हो गया, ठीक है, ये वृद्धि स्वर संधि है। अब आपका आता है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे है य स्वर संधि, तो यहाँ पे है व्यवहार, तो व्यवहार में वी अव आर व्यवहार, तो आई इसका भी नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, एक तो ये लाइन हो गई, इसके बाद इसने लिखा है कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो ई बड़ी ई का, या ऊ ऊ का वा, तो गाइस यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, यव स्वर संधि, तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं व्यवहार, व्यवहार को अगर हम करें तो वी प्लस अव प्लस हार, ठीक है, व्यवहार, तो ये इसका हो गया संधि विच्छेद यानी ई आ या। ओके गाइस सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है यव स्वर संधि है, नियम नियम देख रहे थे हम, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था इसलिए मैं भूल गई। चलिए नियम हम क्या देख रहे हैं, ई बड़ी ई ऊ ऊ और ऋषि, ऋषि के बाद कोई भी जो है आपका मतलब कोई भिन्न स्वर आए, तो ई ई का या ऊ ऊ का वा, और जो है ऋषि का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ लिखा है अत्याचार का सही, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, क्या है, अति प्लस आचार, ठीक है, अत्याचार यानी कि ई प्लस बड़ा आ सॉरी ई आ, और ये क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे फिर पहुँचते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा इसमें लिखिए, हाँ, तो यहाँ पे ही हो गया ई यानी कि ई हो गया, ठीक है, इसके बाद कोई भी स्वर, ठीक
ठीक है, कोई भी स्वर आए, तो ई और ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ई और आ का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। इसमें लिखा है एक तो ई आ गया और ये कोई भी स्वर आ गया, तो ई आ या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस में आता है गाइस, ये आता है यण स्वर संधि में आता है। फिर इति प्लस आदि यानी कि इत्यादि, तो ये हो गया यण, वो सेम संधि हो गई। इसमें देखिए क्या लिखा है, तो ये हो गया इत्यादि और इसमें क्या है यण संधि है, और इसमें ई प्लस आ मिलाकर या हो जाता है यदि विसर्ग के पहले, ठीक है। तो गाइस तो इसमें लिखा है यदि विसर्ग के पहले आ हो, तो यहाँ पे गाइस लिखा है कि यहाँ लिखा है देखिए इसमें ई और आ मिलाकर या हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ हो, तो क्या है वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो, या रा ला वा हा हो, तो आ और क्या है विसर्ग का ओ हो जाता है। यहाँ पे लिखा है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद, तो गैस यहाँ पे क्या है सख्या गमन का, सख्या गमन का क्या होगा सखी प्लस आगमन, राइट। तो इसमें लिखा है यदि, यहाँ लिखा है यण संधि के अनुसार यदि ई या बड़ी ई के पश्चात ई या ई हो, तो मतलब के पश्चात ई तथा ई को छोड़कर कोई और अ स्वर स्वर हो, तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है, और सख्या गमन का सही संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन है। नेक्स्ट इसमें लिखा है अभ्युदय, अभ्युदय का संधि कीजिए, अभ्युदय मतलब अभ्युदय होता है, ठीक है। ये कौन सा है यण संधि हो गया। आगे बढ़ते हैं रीति, इसमें लिखा है रीति और अनुसार की संधि यानी कि रीति अनुसार, राइट। तो इसमें लिखा है ई प्लस आ या हो जाता है, और ये हो गया आपका सेम संधि यण संधि हो गया। फिर इसमें लिखा है अत्याधिक, अत्याधिक में क्या होता है अति प्लस अधिक अत्याधिक होता है, और इसमें यहाँ देखिए ई है आ है और ये क्या हो गया या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अन्वेक्षण, ठीक है। अन्वेक्षण में देखिए अन्वेक्षण का संधि विच्छेद अनु प्लस ईक्षण हो गया, तो यहाँ पे कहीं नहीं है, इसमें यण संधि है, और इसमें लिखा है ऊ प्लस बड़ी ई, ऊ प्लस ई को मिलाकर वी हो जाता है, और तो बाकी तो प्रश्न में मतलब जो विकल्प हैं उसमें हमारे पास कोई भी नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये होगा। फिर लिखा है अतियुक्ति शब्द में संधि, तो इसमें कौन से सेम वही है यण संधि है, और इसमें क्या है अति प्लस उक्ति होगा और ई प्लस उ होगा, ठीक है। अब इसमें ई और आ होता है या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है यण संधि होता है। यहाँ लिखा है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए, तो अन्वेषण का अनु प्लस एषण हो गया गाइस, तो ये भी आपकी कौन सी संधि आप जानते हैं सेम यण संधि है। फिर लिखा है प्रत्याघात यानी कि एस प्रत्याघात हो गया, और ये भी आपकी क्या है यण संधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि आती है, तो यण संधि आती है, ठीक है, इति प्लस आदि इत्यादि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है अब आपका फोर्थ फिफ्थ नंबर अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके नियम देख लेते हैं पहले। तो गाइस यहाँ पे लिखा है देखिए यहाँ पे पो अन लिखा है, पो अन, ठीक है, पो अन जो कौन सी संधि है वो है अयादि, ओके अयादि है, तो पो प्लस अन जो है आपका पवन हो गया, पो अन पवन, ओके। यदि ये क्या है अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, और इस संधि के अनुच्छेद के अनुसार क्या है नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए ओ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आए, तो जो ए का आए ओके, ओ का अव और अ का अव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है नाविक, नाविक में क्या है आपका 9 + 1 नाविक, ठीक है, तो 9 1, ठीक है, ये हो गया अव, तो नियम वही है गाइस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है नयन, नयन में क्या हो गया नयन प्लस 9 + 1 हो गया, ठीक है, सॉरी ने प्लस अन नयन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ने अन नयन हो गया आपका, श्रो अन श्रवण हो गया, पो अन पवन पावन हो गया आपका, चे अन चयन हो गया, और ने अक नायक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो गाइस यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा है अयादि स्वर संधि में यदि ए ए ओ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का अय ए का अय ओ सेम है गाइस जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है गवीश में जो है प्रयुक्त संधि का नाम, तो इसमें लिखा है अयादि संधि है, ठीक है, तो गौ प्लस इस गईश, गौ प्लस इस गईश में अयादि संधि है, ठीक है, तो बाकी तो वही है नियम है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है द्वापी का संधि विच्छेद कीजिए, तो 2 + अपि, 2 + अपि हो गया, और यहाँ पर अ मिलकर क्या है अव,
हो रहा है इसमें आदि संधि है। तो इसमें लिखा है नेक्स्ट आपका है पवन का संधि विच्छेद। तो पवन का संधि विच्छेद क्या है, पौ प्लस अन यानी कि पवन हो गया, अयादि संधि है गाइस ये। फिर यहाँ पे लिखा है पावन का संधि विच्छेद, तो पावन का होता है पौ प्लस अन पावन होता है, और अ मिलकर क्या है अब हो जाता है, तो ये कौन सी है अयादि संधि हो गई आपकी। अयादि संधि ये क्या है, अयादि संधि क्या है गाइस, नौ एक नाविक हो गया, नौ एक मतलब नाविक और ई और मिलकर क्या अव बनाता है, तो ये नियम लिखा है आगे ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है व्यंजन संधि। अभी तक हमने कौन कौन सी देखी, संधि देखिए ऐसे था कुछ संधि ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं संधि, तो संधि हो गया। संधि दो प्रकार की, एक थी आपकी स्वर संधि ठीक है, उसके बाद दूसरी आपकी है व्यंजन, व्यंजन संधि राइट। तो स्वर संधि में हमने देखे थे पांच संधियाँ जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ठीक है, पांच संधियाँ हो गई। अब तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, अब हम आ जाते हैं व्यंजन संधि पे। तो यहाँ पे लिखा है व्यंजन संधि, तो यहाँ पे देख लेते क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्या लिखा है सधर्म ठीक है, सद्धर्म हो गया। सद्धर्म को जब अलग अलग करेंगे यानी कि विच्छेद करेंगे तो ये हो गया सत प्लस धर्म हो गया। चलिए पहले व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद सत प्लस धर्म हो गया। इसमें क्या है व्यंजन संधि, संधि के एक नियम के अनुसार, नियम देख लेते हैं। यदि क छ ट त प के बाद बाद किसी वर्ण का तृतीय यानी कि ग ज द जैसे जैसे आप लिखते हैं ना क ख ग घड़ा च छ च छ ज झ ट ठ ड ड ऐसे करके लिखते ना हिंदी में गए, तो देखिए थर्ड नंबर पे क्या रहे ग ज ड राइट। तो ग रहे ज रहे ड रहे फिर द भी आएगा आगे बा भी आएगा, तो ये तो इसने लिखा है कि इसने लिखा है क च ट त प के बाद अगर क्या है वर्ग का तृतीय तीसरे नंबर पे ही आता है या फिर चतुर्थ चौथे नंबर पे आता है, जैसे आप देखिए क आता है ख ग और घ, तो थर्ड नंबर पे तो ये आ रहा है, तृतीय नंबर पे ये आ रहा है और चतुर्थ नंबर पे घ आ रहा है, तो घ वाली लाइन तो ये चतुर्थ नंबर वाली है आए ठीक है। या र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पे क्या हो जाएगा वर्ग का तृतीय वर्ग यानी कि ग ज ड द ब हो जाएगा। तो गाइस ये है खतरनाक चीज़ ठीक है, तो ये आपकी टेंशन है आप लोग कैसे याद करते हैं, मतलब आसान है वैसे तो इसे आसान कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखा है क च ट त प ये कौन सी लाइन हो गई, जैसे का ख गड़ा च छ छ या ट ठ ड ड ना त थ ड प फ ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली के नीचे देखिए इन्होंने क्या लगाया ऐसे 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 करके लगा दी ठीक है। फिर ये हो गई थर्ड वाली, ये हो गई फोर्थ वाली ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाली लाइन है। इसके बाद वर्ग का तृतीय या फिर चतुर्थ वर्ण आए या यारा लावा या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर यानी कि जो ये वाली लाइन थी इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये तीसरी वाला जो होता है ना वो वाला आ जाएगा राइट। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये हौच पौच हो गया। चलिए उज्ज्वल, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उज्ज्वल उज्ज्वल हो गया ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है व्यंजन संधि है, नियम हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि सकार तथा त वर त थ द ध न के बाद क्रमशः शकार तथा च वर्ग च छ ज ज आए तो सकार तथा त वर्ग का शकार या च वर्ग हो जाता है ठीक है। फिर यहाँ पे है दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद दिक् प्लस अंबर हो गया ठीक है, दिक् प्लस अंबर हो गया, ये व्यंजन संधि है। इस संधि के एक नियम के अनुसार क्या है यदि, तो ये वही कहानी है जो हम पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या, उत् प्लस उल्लंघन, उत् प्लस उल्लंघन, इसमें व्यंजन संधि है और इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि त द के बाद क्या है ला रहे तो त द का ला हो जाता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है ऋक् प्लस वेद ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक् प्लस वेद है और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ क्या है वर्ण आए तो यार लावा तथा कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसे दिग् प्लस गज दिग्गज ठीक है, अच प्लस अंत क्या है अजंत, फिर है षट प्लस दर्शन षट दर्शन और यहाँ पे लिखा है सतवाणी सतवाणी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद, तो ये हो गया तत् प्लस शरण, इसमें व्यंजन संधि और संधि के एक नियम के अनुसार यदि त द के बाद जो है आपका श हो और शाह हो तो त द का क्या च और श का छ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में
क्या है, संधि है, क्या लिखा है, एतन मुरारी, तो इसमें कौन सी व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे लिखा है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ग के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण जो है हो जाता है, जैसे एत मुरारी, एतन मुरारी, ठीक है, चित्तमय, चिन चिन्मय, ठीक है। फिर है वाक्मय यानी कि वाणमय। अब है उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या होगा आपका, उज्ज्वल, ठीक है, ये व्यंजन संधि। चलिए अब है दिग्भ्रम का उदाहरण, यहाँ पे है व्यंजन संधि है दिग् प्लस भ्रम। फिर है उड्डयन, तो उड्डयन में गाइस क्या होगा, उद प्लस डयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो गाइस ये एक बार व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ लिखा है विपत्त जाल, विपत्त जाल का अगर हम बात करें तो व्यंजन संधि है, ठीक है। इस संधि के नियम अनुसार त व्यंजन के बाद च छ हो तो च जा झा हो तो जा टा ठा हो तो टा डा ढा हो तो डा ला हो, होने पर ला होता है, ठीक। अब लिखा कौन सा व्यंजन संधि नहीं है इसमें, तो इसमें रसायन नहीं है, ठीक है, ये रस प्लस आयन, ये दीर्घ स्वर संधि है ना कि व्यंजन संधि है। बाकी जो आपका उद्धरण वाग जाल और तद्धित जो है आपका व्यंजन संधि है। फिर इसमें लिखा है सच्छास्त्र, ठीक है, तो ये हो गया आपका सत प्लस शास्त्र हो गया, सशास्त्र हो गया, ठीक है, तो इसमें व्यंजन संधि है और इसके अनुसार क्या त और शा मिलाकर च छा छ हो जाता है। इसमें लिखा है उच्चारण, उच्चारण का उत प्लस चारण, यहाँ त और चा मिलाकर क्या है, च हो जाता है, ठीक है, ये व्यंजन संधि है, ठीक है। कैसे कैसे प्रोनाउंस करना है, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी खतरनाक टाइप से ये वर्ड्स हैं। फिर यहाँ लिखा है उच्छ वास, उच्छ्वास, ठीक है, तो यहाँ उच्च प्लस श्वास, ठीक है, उच्छ्वास हो गया। इसमें व्यंजन संधि यदि त या द के बाद श हो तो त या द का चा और श का छा हो जाता है, जैसे शरत शशि, तो सरछसी वा। इसमें सदानंद का संधि विच्छेद का इस क्या होगा, सत प्लस आनंद होगा, ये आसान है, ऐसे होने चाहिए। इसमें लिखा है व्यंजन संधि, तो गाइस थोड़ा बहुत मेरी तरफ से देखिए प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, जो थोड़े से टफ वर्ड होते हैं जो यूजली नहीं बोले जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो कौन सा है यहाँ पे, सदाचार, सदा, सत प्लस आचार, ये व्यंजन संधि है। सदैव, सदैव जो है आपका सदा प्लस एव, ये वृद्धि संधि यानी कि वृद्धि स्वर संधि है। फिर है मनोरथ की अगर हम बात करें तो मनोरथ मनः प्लस रथ यानी मनः प्लस रथ, और निर्गुण की अगर हम बात करें तो निः प्लस गुण, ये सारी आपकी क्या है, विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है उद्यान का सही जो है वर्ण विच्छेद कीजिए, तो उद्यान, आइए देखिए कितना, तो उ द य आ न, ठीक है, उद्यान हो गया गाइस, ठीक है। विसर्ग संधि भी देख लेते हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस लिखा है दुस्तर, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, दु प्लस तर, दुस्तर, ओके, ये हो गया। इसमें विसर्ग संधि है और ये संधि का नियम, नियम देख लेते हैं, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यही यही हुआ है, तो ये हो गया आपका विसर्ग के बाद ता हो था हो तो सा हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए गाइस ये जो ना, ये जो नीचे लगाती है ये आधा आधा जैसे लिखते हैं ना स, ये इसके लिए होता है, ठीक है, तो यहाँ देखिए ता आ गया, ठीक है, मतलब ता किसके बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आ गया, ता आ गया, ठीक है, तो इसके स्थान पे हम क्या, इसके बाद हम क्या लिख देते हैं ना, सा लिख देते हैं, तो देखिए तू और फिर ता, ये आ गया ना विसर्ग के बाद ता आ गया, तो ये देखिए छोटा सा आ गया यानी कि सा आ गया। तो वैसे यहाँ पे है निश्चल, निश्चल का देखिए क्या होगा आपका, नि प्लस चल हो गया, तो ये वही वाली बात हो गई, ये हो गया आपका विसर्ग, हो गया विसर्ग के बाद च आ गया, अच्छा, तो इसमें लिखा ही नहीं, चलिए देख लेते हैं, तो इसमें लिखा च और छ हो जाता है तो आता है, ठीक है, तो सॉरी श होता है श, यानी कि देखिए यहाँ पे श आया है, छोटा श मतलब आधा श। अब इसमें नि प्लस, यहाँ नि प्लस चेष्ट, तो क्या है, निश्चेष्ट, ओके, तो वही है आपका विसर्ग के बाद चा जाता है, तो ये क्या बन जाता है, आधा श बन जाता है। फिर इसमें नि प्लस पाप, ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, तो इसमें लिखा है विसर्ग, ये क्या है आपका, क्या है आपका विसर्ग, विसर्ग संधि हो गई आपकी, विसर्ग के पहले यदि ई या विसर्ग के पहले
ई ऊ हो तो विसर्ग के बाद क ख प फा हो तो इसके पहले विसर्ग के बदले श हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे लिखा है नी प्लस कपट निष कपट, नी प्लस पाप निष्पाप, दू प्लस कर दुष्कर, एंड ये हो गया निष्फल। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखा है मनोहर। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो यहाँ मनह प्लस हर हो गया। तो इसमें लिखा है यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ण का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आए, ठीक है, या रा ला वा हा रहे, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। और ये जो है ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा हो ओ हो जाता है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है मनोयोग। तो मनोयोग में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। मनोयोग मनः प्लस योग में विसर्ग संधि है। विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ स्वर हो या विसर्ग के आगे ग घ ण ज छ न ड ढ न द ध न ब भ, कैसे पढ़ लीजिएगा, तो ये तो अ और विसर्ग अह के बदले ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे वयोवृद्ध, तो वह व्यवृद्ध मनोरंजन, मना प्लस रंजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निर्भय का संधि विच्छेद। निर्भय का नी प्लस भय होता है और इसमें ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ लिखा है पुरस्कार, तो पुरस्कार का अगर हम बात करें तो ये क्या है? विसर्ग संधि है। पुरा प्लस कार, ये हो गया विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि? तो इसमें लिखा है निरंतर, तो यहाँ पर निरंतर जो है का संधि विच्छेद नी प्लस अंतर करें तो ये क्या हो गया आपका? एक विसर्ग संधि हो गया। यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या है? आ आने पर रा हो रहा है और दिग्गज और क्या है? जगदीश, जगदीश और दिग्गज, तो ये व्यंजन संधि है। जबकि क्या है? महीश जो है आपकी स्वर संधि है। महीश क्या है? आपकी स्वर संधि। फिर इसमें लिखा है मनोरथ का संधि विच्छेद के, मना प्लस रथ हो गया, इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें लिखा है धनुष टंकार शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा धनु प्लस टंकार हो गया और ये क्या है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के एक नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो गया? शाह हो जाता है। इसमें लिखा है गौ प्लस चरित चरती, तो इसमें लिखा है गौश चरती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विसर्ग के बाद यदि च या फिर छा हो तो ये क्या हो जाता है? शाह हो जाता है। पुनः चर्चा, तो पुनश्चर चर्चा हो गया, दुःखचरित्र हो गया, दुष्चरित्र हो गया, यहाँ नहीं चल हो गया तो निश्चल हो गया, एंड गौचरती हो गया, यहाँ पे गौश्चरती हो गया। अब यहाँ पे लिखा है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पुनः प्लस जन्म हो गया, पुनर्जन्म, ये क्या है? आपकी एक विसर्ग संधि है। फिर लिखा है आपका ओके, यहाँ पे लिखा है निष्कपट। निष्कपट का गाइस क्या होगा? नी नी प्लस कपट हो गया, इसमें क्या है? आपकी विसर्ग संधि है। फिर है बहिष्कार की बात करें, बही देखिए यहाँ पे क्या होगा, बही प्लस कार, तो बहिष्कार हो गया संधि विच्छेद, वही प्लस कार हो गया, वही प्लस कार हो गया, ये विसर्ग संधि है। इस नियम के अनुसार विसर्ग के पहले यदि ई या ऊ हो तो विसर्ग के बाद का खा या फिर पा फा हो तो इसके पहले क्या है? विसर्ग के पहले श हो जाता है। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट, इसमें लिखा है यशोदा, तो यशोदा क्या है? एक विसर्ग संधि है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है यशोदा क्या है? विसर्ग संधि है। इसका यश प्लस दा, इसका संधि विच्छेद हो गया। यदि किसी अक्रांत शब्द के अंत में क्या है? विसर्ग हो, मनु प्लस शाह और क्या है उस, तो गैस उससे परे अस्वर या किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा या कोई अंतःस्थ व्यंजन आ जाए तो विसर्ग विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यहाँ विसर्ग संधि क्या है? आपका निष्कर्म है, जैसे हमने ये बहुत बार आगे भी देख लिया पिछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले पहले इकार उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अब इसमें लिखा है निकलंक, तो यहाँ पे लिखा है निकलंक का या हो गया निष्कलंक हो जाएगा गाइस, ये विसर्ग संधि। फिर लिखा है निर्धन में कौन सी संधि, तो निर्धन में भी कौन सी आपकी विसर्ग संधि है, यानी कि नि प्लस धन हो जाएगा, विसर्ग संधि है। फिर है पयोधि, तो पयोधि में क्या है? पयाह प्लस धी हो जाएगा, पयोधि हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। फिर यहाँ है मनोबल की बात करते हैं, तो ये क्या है? एक विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, मनह प्लस बल हो जाएगा। और इसमें लिखा है कि विसर्ग के पहले अस्वर और आगे जो है अ अथवा कोई स घोष व्यंजन या र लावा हा में से कोई दूसरा वर्ण हो तो आ
और विसर्ग अह के बदले क्या हो ओ हो जाता है, जैसे मनहरत मतलब मनोरथ हो जाता है, मनह योग हो गया मनोयोग हो गया, मनह विनोद हो गया मनोविनोद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा गलत है? यहाँ देखिए विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को क्या है विसर्ग संधि कहते हैं। आइए तो इसमें लिखा है विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मिलाने से क्या है विकार उत्पन्न होता है और उसे हम क्या बोलते हैं विसर्ग संधि होते हैं। शेष जो विकल्प हैं वो सही है, यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं संधि बोलते हैं। फिर दो स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाले जो विकार होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर तथा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले जो व्यंजन उत्पन्न विकार होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये वाला हमारा गलत था, बाकी हमारे सारे सही हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है वीडियो होता है मतलब चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।